पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्वागतम आप सभी का। धूप बहुत गंदी पड़ रही है, मेरी दो मीटिंग्स ही दोनों हो चुकी हैं खत्म। अब शाम को एक क्राफ्टन की कुछ तो मीटिंग है, उसके बारे में वो जब आएगा मैं बाद में बताऊंगा, बिकॉज कुछ व्लॉग्स पहले मैंने बोला था कुछ तो बहुत बढ़िया सा आने वाला है। सो ट्रस्ट में उसकी शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को बताता रहूँगा कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं। इस वीडियो में पूरा नहीं, लेकिन आने वाले वीडियोज में तुम लोगों को पता चल ही जाएगा कि जो चीज़ आने वाली है ना, वो मान लो मतलब हर बार क्राफ्टन के इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं कि एक से ऊपर एक, एक से बढ़ के एक होने वाले हैं। अभी तुमने टीवी पे सबसे भयंकर इवेंट देखा है, अब कुछ और आ रहा है, फिर कुछ और आने वाला है, इस तरीके से हदें पार करने वाले ना बीच में ही गेम, मतलब मजा आ जाएगा। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो उस गेम के लिए बनता है। और अभी मैं पता है क्या, देखो मैं हो चुका हूँ फ्री, 3-4 बज रहे हैं, क्या होता है हालत तुम लोगों को दिख तो नहीं रहा होगा, बट इधर मेरा एडिटर सो रहा है, इधर अंश सो रहा है, अच्छा अंश उठ चुका है, मुझे लगा अभी भी सो रहा है बट उठ चुका है। बट स्टिल मतलब कल यार मान लो सुबह 5-6 बजे वापस आ रहे हैं, फिर सो रहे हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। मैं तो बहुत कम सोया क्योंकि उठ के मेरे को काम ही करना था, तो मैं बहुत कम सोया। अब मैं आज रात को सोऊंगा, बिकॉज विद द जिम राइट नींद भी इंपॉर्टेंट होती है, तो या तो मैं शाम को सो जाऊंगा थोड़ा जल्दी रात से पहले, या फिर रात को सोऊंगा, देखूंगा वैसे रात को सोना, बट मेजर फैक्टर वही है। बट भाई पूरे देश में बारिश हो रही है, यहाँ पे ऐसे धूप पड़ी हुई है ना गंदी सी, बाहर जाने में बाहर जाते आदमी का पकौड़ा बन जाए, वो हालत हो रखी है। बट कोई नहीं, देखते हैं अब क्या क्या नहीं। मेरे प्लान्स वन सेकेंड, जैसे मैं बताया दो मीटिंग्स हो चुके हैं, शाम को एक क्राफ्टन की मीटिंग है वो जाएगा, बट मुझे एक चीज़ पता है, पिक्चर अभी भी बाकी है। इन द सेंस कि यू नो जो भी टूर्नामेंट्स में हुआ, जैसा भी हुआ, ग्लोबली स्पोर्ट्स का विन, इट वॉज जस्ट समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर का ऊपर आना, आई मीन ओवेस इज वन द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रिकिन आईजीएल, सो दैट्स अ थिंग। और रैंगोटैन उनके लॉन्डो को भी एक वो था, यू नो कि हमने इतने क्लोज आकर के कोई तो चीज़ लूज करी है। लास्ट गेम के बाद भी जब लड़के आए बात यही कर रहे थे वो लोग कि यार लास्ट गेम में अगर फिनिश पॉइंट्स भी आ जाते ना, हम लोग एक अच्छा डिफरेंस बनाने की कोशिश कर सकते। पता नहीं क्या हुआ, लास्ट गेम में फिनिश पॉइंट्स नहीं आते उनके पास, सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट पर वो लोग खेले थे, सो दैट्स वन थिंग। बट सोल वर्सेस गॉड लाइक, पहले भी दूसरे चैनल की वीडियो मैंने बताया था कि ऐसा ना हो ये दोनों लड़ते रह जाएं और कोई और आकर के नो अपने लिए गेम निकाल ले, टेक्निकली वही हुआ। सो सोल वर्सेस गॉड लाइक वॉज अ थिंग, जो कि एक राइवलरी है जो ऐसा चल रही है कि अब तो चलते चलते कहीं आगे निकल चुकी है, बट देखते हैं क्या होता है आने वाले टूर्नामेंट्स में, क्योंकि राइवलरीज तो चलती रहती क्रिकेट में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, वहीं पर एल क्लासिको और वैल क्लासिको, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एल क्लासिको वैल क्लासिको, वैल क्लासिको भी मैंने टर्म दिया था, बट सिर्फ ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एंड अब यहाँ पर सोल वर्सेस गॉडल को बिना कुछ टर्मिनोलॉजी में सोचना चाहता हूँ, अगर फाइट्स होंगे तो उस टाइम सोचेंगे कि वो टर्मिनोलॉजी क्या है। अगर आपके माइंड में कोई बढ़िया सी टर्म है ना बताना जरूर। आई मीन नो कॉम्पिटिशन वाली स्पेसशिप, पता नहीं, विल टॉक अबाउट। ऐसा सही हो गया है, लिफ्ट लगनी है आपको, बट मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे को लिफ्ट की क्या जरूरत होगी। थैंक यू भैया, पानी पियोगे? थोड़ा ज़्यादा ठंडा सा होगा चांसेस। और थैंक यू भैया, ये लोग मतलब देखो यार इतना घूम घाम के सब चीज़ करके खाना वगैरह ला के देते हैं, तो इनको भी वो चाहिए होता है, मैटर करता है यार, सबके साथ एक अच्छी रिस्पेक्ट से बात करो, सब चीज़ करो,
दुनिया में बहुत सारे प्लस माइनस चल रहे हैं, बट चल साउंड्स लाइक गुड जेस्चर। मेरा एक अलग सा डाइट सा रहता है, तो उसके अंदर मेरे को एक चीज़ मंगानी थी, तो वो मैंने मंगाई है, तो वही अब ठूसना पड़ेगा बैठ के। होते नहीं है मैश पोटैटोज, ये वो मैश पोटैटोज खाने अब बैठ, तो चलो ठूसते हैं। और क्या, सो गाइस ये हल्का सा स्नीक पीक है कुछ चीज़ों का जो कि हो रही हैं, जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि कुछ ना कुछ तो आने वाला है, तुम देख सकते हो। चालू हो गया यहाँ पे अपने बंदे हैं अच्छे खासे, कुछ तो बढ़िया सा आ रहा है। द बेस्ट पार्ट इज अभी हमारे माइंड में एक अलग सा आइडिया है, वो ये है कि हम दूसरी बार डिसअपॉइंट होने जाएंगे। अभी हम कुछ दिन पहले थॉर लव एंड थंडर देख करके आए थे, वो वैसे सिर्फ 3D में थी, आईमैक्स नहीं थी, बट अभी अंश ने बोला कि आज रात को हम लोग देखने जा रहे हैं थॉर लव एंड थंडर दूसरी बार आईमैक्स में। इस बार होंगे डिसअपॉइंट वापस से, बिकॉज उतनी अच्छी मूवी लगी नहीं, बट अगर मार्वल वालों मुझे कभी बुला रहे हो ना, तुम्हारी मूवी सबसे बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, मैं खुद स्टार मतलब एक्ट करना चाहूँगा तुम्हारी मूवी में, बट थॉर लव एंड थंडर उतनी अच्छी नहीं है, बट बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। जा रहे हैं हम लोग दूसरी बार डिसअपॉइंट होने, मेरे ऊबर वाले भैया नहीं उठा रहे कॉल, 12-13-14 हमने करी है और खुद से 15-16-17 हो गया, और एक नई सीट रिजर्व हो गया और नई सीट मिल गया हमें, नई सीट उसके बगल में मिली है भाई, किस्मत तो ऐसी भी होती है भाई। हां तो गए यहां पे, एक दिन ना ये इस वाली दुकान से ऐसे वॉच उठानी है लाखों की, क्योंकि यहां पे मिलती है क्या 7-7-8-8 लाख की वॉच मिलती है मिनिमम, एक वॉच ऐसे, हां एक वॉच मतलब पूरे दुकान 7 लाख की नहीं, घड़ी 7 लाख की है किसी दिन। भाई ये जूता रात को ग्लो करता है, वो जूता रात को ग्लो करता है, और वो जूता भाई साहब का है, ये जूता देख रहे हो स्टार्क इंडस्ट्रीज का जूता है, थॉर लव एंड थंडर देखने आए हैं। अब सर को ये देखना है कि रात को जूता किसका ज़्यादा ग्लो करेगा, अगर किस्मत की बात होती तो डेफिनेटली हाँ जैसी जूता चांद जैसा है, पापा का मन सिखा तो हमने ये बात करी है, वो है थॉर का पार्ट लव एंड ये थंडर, बट मैं बढ़िया सा लगता है, हम लोग एक बार देख चुके हैं मूवी, बट स्टिल वापस से देखना है। एंड यस द कॉन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग पहले वो ये था कि अगले टूर्नामेंट से एक और टीम को बाहर जाने का मौका मिलेगा, दिस टाइम इट कैन बी गॉड लाइक, इट कैन बी अदर टीम, इट कैन बी ओजी, इट कैन बी एक्सो, इट कैन बी ओजी, जो भी टीम अच्छा खेलेगा। वैसे अब 4 दिन का 5 दिन का टूर्नामेंट है, थर्सडे टू संडे 4 दिन का टूर्नामेंट है, उसमें जिसके हाथ गर्म हुए वो बढ़िया खेल लेगा, और मिस्टेक्स को क्लियर आउट करने का भी मौका है इस पूरे टूर्नामेंट में, सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज इन दिस वन टूर्नामेंट, और इट कैन बी अ रिडेम्पशन टूर्नामेंट फॉर गॉड लाइक, डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट पोजीशन को कैसे छोड़ा, बिकॉज BGIS डे 1 फर्स्ट पोजीशन, डे लास्ट फोर्थ पोजीशन, ग्लोबल नॉट द रिजल्ट दैट दे वॉन्टेड, नॉट द रिजल्ट दैट एनी इंडियन फैन वॉन्टेड, बट ऑब्वियसली सोल भी जा ही रही है BMW, एक और टीम के पास चांस बन सकता है, वी जस्ट होपिंग फॉर वेरी गुड थिंग्स। बाकी तो तुम लोग बताओ, तुम लोगों के अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है, व्हाट आर यू गाइस थिंकिंग अबाउट दैट? देख रहे हो मतलब मेरी कास्टिंग सुन के सीख रहे हो क्या? ये लगता है दीर्घकालिक क्रिकेट का मैं सीखूंगा, अब मैं ये सीखूंगा कि क्या नहीं करना है। रीडी वाले ग्लासेस यहाँ पर खत्म होता है आज का ब्लॉग, कर रहा हूँ पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, एंड अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट करना। ऑब्वियसली टूर्नामेंट आज नहीं था, एंड अब तो टूर्नामेंट खत्म हो चुका, तो अब नया टूर्नामेंट आएगा, उसके अराउंड भी और बढ़िया ब्लॉग्स बनेंगे, बट
अगला व्लॉग कल के दिन आएगा, शायद थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने का प्लान है हम लोगों का। आप लोग बताना आप लोगों के क्या प्लान रहने वाले ट्यूसडे के, किसी का स्कूल होगा किसी का कुछ होगा, बट स्टिल मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे इंडोर्स एंड ऑफ योर फैमिली, गाइस हैव एन अमेजिंग डे, टेक केयर, बाय बाय।